क्या SC ST एक्ट के तहत गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे सुधीर चौधरी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज तक के कंसल्टिंग एडिटर सुधीर चौधरी के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है और मुमकिन है जल्द ही उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो जाए और उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। सुधीर चौधरी के खिलाफ झारखंड के CM हेमंत सोरेन के आदिवासी होने पर बेहुदी टिप्पणी करने और पूरे आदिवासी समाज का अपमान करने के गंभीर आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ रांची में शिकायत दर्ज कराई गई है। सोशल मीडिया पर खबर के स्क्रीनशॉट और शिकायत की कॉपी वायरल हो रही है जिसके मुताबिक सुधीर चौधरी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हम आपको ये बताते हैं कि सुधीर चौधरी ने आखिर क्या कहा था। दरअसल अपने शो के दौरान अपनी साथी एंकर चित्रा त्रिपाठी से लाइव रिपोर्टिंग के दौरान सुधीर चौधरी ने हेमंत सोरेन के आदिवासी होने पर बेहुदी टिप्पणी की थी। सुधीर चौधरी ने कहा था, चित्रा आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, आज उनकी रात कैसे कटेगी। हेमंत सोरेन को तो शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20-30 साल पहले 40 साल पहले अपने किसी आदिवासी के तौर पर जंगल में चले जाएं। आज की रात काफ़ी मुश्किल होने वाली है। जी हाँ, किसी आदिवासी के तौर पर जंगल में चले जाएं, यानी उनके लिए आदिवासी होना पिछड़ापन है, उनके लिए आदिवासी होना जंगली होना है। ये शब्द आज तक के कंसल्टिंग एडिटर सुधीर चौधरी के हैं जो यूं तो दिन रात लोगों के दिमाग में जहर भरने के लिए पहले से ही बदनाम है, लेकिन अब उसने हद ही पार कर दी है। सुधीर चौधरी को लगता है कि दलित आदिवासी लोग ना अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ना अच्छा खाना खा सकते हैं, ना महंगे फ़ोन रख सकते हैं, ना हवाई जहाज से चल सकते हैं और ना ही वो महंगे होटल में रह सकते हैं। इसे दलितों आदिवासियों को बस दयनीय हालत में देखना अच्छा लगता है कि वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहें, और दलित आदिवासी होने का मतलब वो पिछड़ा होना, जंगली होना मान रहे हैं। अब आदिवासी समाज ने सुधीर चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रांची के थाने में आदिवासी सेना के लोगों ने सुधीर चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वायरल हो रही शिकायत में लिखा गया है, वर्तमान में झारखंड के राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, इसी बीच में भारत के चौथे स्तंभ के रूप में पहचाने जाने वाले मीडिया द्वारा भारत के मूल निवासी आदिवासी को सार्वजनिक रूप से देश के जाने माने हिंदी न्यूज चैनल आज तक के प्राइम टाइम के कार्यक्रम के एंकर सुधीर चौधरी द्वारा अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन को 30-40 साल पहले की तरह जंगल में जाकर आदिवासी बनकर रहना पड़ेगा, जिससे ये प्रतीत होता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित एक व्यक्ति हैं जिनकी नज़र में आदिवासी का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। उनकी इस अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज आहत है। हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। आज देश की प्रथम महिला माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो देश के पूरे जुडिशियल सिस्टम के अभिभावक भी हैं। ऐसे में सुधीर चौधरी द्वारा आदिवासियों को जंगली बताना निहायत जातिवाद से ग्रसित और ऊंच नीच की भावना से प्रेरित मालूम पड़ता है। उनके इस घटिया बयान से पूरा आदिवासी समाज आहत है और आदिवासी समाज को नीचा दिखाने की उनकी इस मंशा का संवैधानिक और लोकतांत्रिक रूप से विरोध करते हैं। अतः थाना प्रभारी से निवेदन है कि सुधीर चौधरी के ऊपर SC ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत गिरफ्तार कर आदिवासी समाज को न्याय दिया जाए। देश के 12 करोड़ आदिवासी इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। आदिवासी सेना के महानगर अध्यक्ष अजीत लकड़ा ने पुलिस में ये शिकायत दी है और जल्द इस पर FIR भी दर्ज हो सकती है क्योंकि आदिवासी समाज लगातार सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। सुधीर चौधरी मानसिक रूप से बीमार हैं, इसलिए बहुजनों ने भी उनकी अकल ठिकाने लगाने का बीड़ा उठा लिया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर क्लास लगा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि सोशल मीडिया पर इस समय क्या चल रहा है। अरेस्ट सुधीर चौधरी हैशटैग के साथ लोग क्या लिख रहे हैं। एक्टिविस्ट हंसराज मीना ने ट्विटर पर लिखा, आज तक एंकर सुधीर चौधरी ने झारखंड के लोकप्रिय CM हेमंत सोरेन जी को लेकर सारे आदिवासी समुदाय का अपमान किया है, ये असहनीय है। सुधीर चौधरी के विरुद्ध SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है, झारखंड पुलिस में इसकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करता हूं। अरे सुधीर चौधरी, यानी सुधीर चौधरी के खिलाफ अब SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग हो रही है। ट्राइबल आर्मी नाम के हैंडल से लिखा गया, सुधीर चौधरी पर दर्ज SC ST एक्ट के तहत मुकदमे में अविलंब कानून अपना काम करे, नहीं तो समाज अपना काम करेगा। सुधीर चौधरी इस बार अपना भ्रम निकाल दें कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें कार्यवाही होने से बचा लेंगे, क्योंकि इस बार उनका पाला आदिवासी समुदाय से पड़ा है। अरेस्ट सुधीर चौधरी, या मैं साफ कर दूं कि अभी सुधीर चौधरी पर FIR दर्ज नहीं हुई है, उनके खिलाफ शिकायत यानी कंप्लेंट दी गई है और हो सकता है कि उन पर FIR दर्ज हो जाए। यानी अब आदिवासी समाज चेतावनी दे रहा है कि उन्हें खुद PM मोदी भी नहीं बचा सकते, क्योंकि आदिवासी समाज जंगल में शेर और चीतों से नहीं डरता, तो इस तरह के जातिवादी इंसान से भला क्या डरेगा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र मीणा इस बारे में लिखते हैं, सुधीर चौधरी जैसे लोगों को लगता है कि आदिवासी को सिर्फ जंगल में ही रहना चाहिए क्योंकि इन्हें अच्छे कपड़े पहनना, गाड़ी में चलता और हवाई जहाज में उड़ता आदिवासी पसंद नहीं है। ऐसे जातिवादी व्यक्ति की जगह जेल है। प्रोफेसर जितेंद्र मीणा ने एकदम सही कहा है, ऐसे लोगों की जगह जेल ही है क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए हानिकारक हैं। इसी बारे में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रोफेसर दिलीप मंडल ने भी लिखा है। वो लिखते हैं, सुधीर बेहद घटिया और नीच प्रकृति का आदमी है। बहुत नफरत भरी है इस आदमी के अंदर। तिहाड़ जेल में लंबे समय तक रहने की कड़वाहट से ये निकल नहीं पा रहा। आरक्षण को लेकर भी इसने हाल में अपना जहर उगला था। सुधीर चौधरी बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। सुधीर चौधरी को देखने से भले ही आपको उनकी बीमारी का पता ना चले, लेकिन वो गंभीर रूप से बीमार है। बीमारी ऐसी है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उन्हें मानसिक बीमारी है। वो बीमारी है जन्म के आधार पर अपने आप को ऊंचा और दूसरों को नीचा मानने की। उस बीमारी का नाम है जातिवाद। जी हाँ, सुधीर चौधरी जातिवाद नाम की जानलेवा बीमारी से ग्रसित है और अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि वो अपने मुंह से जातिवाद की उल्टियां कर रहा है। सुधीर चौधरी ने जो झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो टिप्पणी की, उसने ना सिर्फ उन पर टिप्पणी की बल्कि पूरे आदिवासी समाज पर अपमानित करने वाला कमेंट किया है, उनका मखोल बनाया है, उनको जंगली कहा है, जिस पर अब उनके पक्के इलाज की मांग हो रही है, वरना उनको ये बीमारी ले डूबेगी। सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी अरेस्ट करने की ट्रेंड कर रहे हैं। अरेस्ट सुधीर चौधरी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार करो, जेल में डालो। लोग सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी के कुकर्मों की फाइल भी खोल रहे हैं। कोई उसे तिहाड़ी कह रहा है तो कोई उसे दलाल जैसी उपाधि दे रहा है, लेकिन कुल मिलाकर सुधीर चौधरी एक बार फिर अपनी जातिवादी सोच के कारण एक्सपोज हो गया है। सुधीर चौधरी के खिलाफ बहुजनों ने नाकाबंदी कर दी है और अब लोग इसके पक्के इलाज की मांग कर रहे हैं। सुधीर चौधरी यूं तो खुद 100 करोड़ की घूस मांगने के आरोप में तिहाड़ जेल में कई रात गुजार चुका है। काफी लंबा वक्त उसने गुजारा है, लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री के जेल जाने पर, उसके आदिवासी होने पर इस तरह की घटिया टिप्पणी करना मानसिक दिवालियापन नहीं है तो फिर क्या है? सुधीर चौधरी इससे पहले आरक्षण के खिलाफ भी खूब जहर उगल चुका है। सुधीर चौधरी ने कई शो आरक्षण के खिलाफ किए हैं। वो कहता है कि आरक्षण से मेरिट का नुकसान होता है, लेकिन सुधीर चौधरी जैसे लोगों से जो देश का नुकसान हो रहा है उसका क्या? उससे भी तो उस पर भी बात होनी चाहिए ना कि सुधीर चौधरी जैसे जो जन्मजात मेरिटधारी लोग हैं उनसे इस देश का कितना नुकसान हो रहा है, उस पर भी बात होनी चाहिए। ऐसे लोगों को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे लोग समाज में नफरत फैलाते हैं, उन्हें जेल में डालना चाहिए। तुरंत सुधीर चौधरी के खिलाफ SC ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए और उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल देना चाहिए। यूं तो मैं आपको बताऊं कि सुधीर चौधरी के साथ मैंने काम किया है, लेकिन मुझे पूरी उम्र लोगों को ये बताने में शर्म आएगी कि मैंने सुधीर चौधरी के साथ काम किया है, क्योंकि इतना बदनाम आदमी, इतना खराब आदमी, कहीं कहीं कि इतना घटिया आदमी है कि बताने में भी शर्म आए कि आप इसके साथ काम कर चुके हो, आप इसको जानते हो। जी न्यूज़ में इस जातिवादी आदमी के साथ मैंने काम किया है, कभी ये मेरा बॉस हुआ करता था, लेकिन इस आदमी के साथ काम करने का पछतावा मुझे पूरी उम्र रहेगा और मैं किसी को बताते हुए भी मुझे शर्म आएगी कि सुधीर चौधरी जैसे आदमी के साथ मैंने काम किया। बहुत खराब आदमी, बहुत घटिया आदमी है, SC ST समाज के, OBC समाज से नफरत करने वाला आदमी है। इस तरह की बयानबाजी करके हमारे समाज का अपमान करता है, हमारे लोगों के खिलाफ इस तरह की फोल्ड टिप्पणियां करता है, इसलिए इसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और इसे जेल में डाल देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर लिखें। आप बताएं कि सुधीर चौधरी ने जो कहा है उस पर आप क्या सोचते हैं, राय आप अपनी कमेंट में लिखें। आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीट फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।